हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे चैनल पे, जहां हम आर्ट से रिलेटेड ढेर सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो दोस्तों आज ही बहुत एक रेयर वाली इमेज आई है, काफ़ी पुरानी है दोस्तों इमेज, और लातूर से मुझे वो ऑर्डर मिला है दोस्तों, और मैंने उसको रिमिनी ऐप से मैंने उसको क्लियर किया है। काफ़ी ब्लर उसमें था, तो रिमिनी ऐप एक बहुत ही अच्छा ऐप है। अगर आप ड्रॉ करते हो और इस तरह से आपको कुछ एडवांटेज मिलते हैं कि पुरानी चीज़ आपको, पुरानी इमेज आपको ड्रॉ करने के लिए कोई कहता है दोस्तों, तो आपको वो एडवांटेज लेने चाहिए। और रिमिनी एक ऐसा ऐप है, वो सारा ब्लरस निकाल देता है दोस्तों, और एक अच्छी सी क्वालिटी वाली इमेज हमें बना के देता है। तो रिमिनी ऐप आपके पास में होना चाहिए अगर आप आर्टिस्ट हो, और पुरानी इमेज अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करता है तो ड्रॉ ज़रूर करिएगा दोस्तों। भी क्लाइंट होते हैं दोस्तों, उनका इमोशनल टच उस इमेज से होता है, किसी की माँ होती है, किसी की पिताजी होते हैं, तो ऐसा टाइप की रियर इमेज हमें ज़रूर ड्रॉ करके देने चाहिए दोस्तों। और किस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया है दोस्तों, ये सारा इस ट्यूटोरियल में आज हम सीखने वाले हैं। इसके लिए कौन से मटेरियल आपके आपके पास में होने चाहिए, इन सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आपको बाय करना चाहते हो तो वहाँ से आप उस आर्ट मटेरियल को बाय कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको आपके आर्ट इम्प्रूवमेंट करनी है तो अच्छे से मटेरियल आपके पास में होने चाहिए। और मैं ज़्यादातर कार्डबोर्ड पे ड्राइंग करता हूँ दोस्तों, काफ़ी हार्ड वाला वो पेपर होता है, लेकिन इसको मैंने स्मूथ पेपर पे ड्रॉ किया है दोस्तों। तो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा होता है, और इमेज किस तरह से हुई है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इस तरह से इमेज आपके पास में हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि हम उसको ड्रॉ कर सके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको आउटलाइन ड्रॉ की है दोस्तों इसकी, आप भी इस तरह से आउटलाइन ड्रॉ करिएगा प्रॉपर तरीके से। उसके लिए मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया था, और A4 साइज पे हम इसको ड्रॉ करने वाले हैं दोस्तों। तो पहले तो सारी पूरी तरह से मसल हम लाइट पेंसिल से हम इसको भरेंगे दोस्तों, जो भी हमें मसल्स हमें दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो लाइट शेडिंग के लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ करता हूँ या 2B पेंसिल का यूज़ करता हूँ। काफ़ी सारे लाइट शेडिंग मुझे इस फिल्टर पिक किए हुए इमेज में दिखाई दे रही है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने अभी आइज़ ड्रॉ कर लिए। आइज़ में मैंने कॉन्टे पेरिस की 6B वाली पेंसिल का यूज़ किया है दोस्तों। उसके बाद में मैंने स्टेडलर की EE वाली पेंसिल का यूज़ किया है, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें डार्क एक्सट्रीम डार्क के लिए हमें उसको यूज़ करता हूँ दोस्तों। तो अगर आपके पास में नहीं होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको बाय कर सकते हो दोस्तों। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पेंसिल का हमें रिज़ल्ट मिलता है, एक्सट्रीम डार्क के लिए ये बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देती है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से हमने आइज़ अभी काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर ली है दोस्तों। तो चलते हैं आगे। तो क्लाइंट ने बहुत सारी मुझे रिक्वेस्ट करी थी दोस्तों, ये उनके पास में एक ही पिक था, तो मुझे लगा कि उनके इमोशन के साथ खेलना नहीं चाहिए और उनको ये इमेज ड्रॉ कर देनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए मैंने उनको हाँ कहा था दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने मुझे रिप्लाई भी दिया है, बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद आया है दोस्तों। और मेरे जो क्लाइंट होते हैं दोस्तों, हमेशा ही मुझे ऑर्डर रिप्लेस करते हैं, और क्योंकि मैं वर्क इस तरह से करता हूं दोस्तों, क्योंकि वो मुझे बार बार ऑर्डर देने पे मजबूर हो जाते हैं दोस्तों। तो आप भी इस तरह से अच्छी लगन के साथ अगर ड्रॉ करोगे तो इसमें बहुत ही बढ़िया आप करियर बना सकते हो दोस्तों। इसके लिए आपको शुरुआती के दिन में काफ़ी हद तक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें एक दिन में हासिल नहीं होती दोस्तों, उसके पीछे बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, तब जाके हम कुछ अचीव कर पाते हैं। तो इस तरह से मैंने 4B पेंसिल का यूज़ करके लाइट शेडिंग मैंने यहाँ पे देने का प्रयास किया है दोस्तों। और स्मूजिंग के लिए मैंने कभी कभी इसको मैं उंगलियों का यूज़ करता हूँ, और कभी कभी
मेकअप ब्रश का भी यूज़ करता हूँ दोस्तों। मेकअप ब्रश से भी हमें बहुत अच्छे तरह से स्मूजिंग का रिजल्ट मिल जाता है दोस्तों। तो आपके पास में मेकअप ब्रश भी होने चाहिए, ऑर्डिनरी दुकान पर आपको मिल जाएंगे या फिर ब्यूटी पार्लर में जाकर आप वहाँ से बाय कर सकते हो दोस्तों। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया है। हाँ दोस्तों, अगर आपको अगर शेडिंग दिखने में प्रॉब्लम होती हो तो आप जो भी आपके पास में रियल इमेज हो उसका भी आप हेल्प ले सकते हो। जैसे कि पहले बार आपने देखा कि ब्लैक एंड वाइट इमेज पर मैं वर्क कर रहा था, और अभी ये रियल इमेज जो मैंने रिमिनी ऐप से क्लियर करी है दोस्तों। तो रिमिनी ऐप से क्लियर करी हुई इमेज की मैं यहाँ पे शेड लाइट्स के लिए हेल्प ले रहा हूँ दोस्तों, जिसमें मुझे चीक्स पे काफ़ी अच्छी सी डिटेलिंग मिलती जा रही है, क्योंकि कितनी जगह पे मुझे डेप्थ देनी है, कौन सी जगह पे डार्क मुझे शेडिंग देनी है, ये सारा पता मुझे यहाँ पे लग रहा है दोस्तों। तो आप भी इस तरह से प्रैक्टिस किया करें दोस्तों, काफ़ी हद तक आपको इस तरह से प्रैक्टिस करते हो तो हेल्प हो जाएगी और प्रॉपर तरीके से आपकी इमेज ड्रॉ कर पाओगे दोस्तों। जो भी आप वर्क कर रहे हो उसमें आप काफ़ी अच्छे तरह से प्रोग्रेस कर सकते हो। तो एक ब्लैक एंड वाइट इमेज जो कोई हमें ब्लैक एंड वाइट स्केच करना होता है उसके लिए आप ड्रॉ कर रहे हो वो तो करते ही हो, लेकिन अगर आपको इमेज पूरी तरह से फ्लैट लगती हो, उसमें कोई भी शेडिंग आपको दिखाई नहीं देती है, कहीं भी डेप्थ आपको या फिर मसल की ठीक तरह से प्रिपरेशन नहीं दिखाई देता है, तो आप ओरिजिनल इमेज को कभी कभी देख लिया करें, उसमें हमें ढेर सारी डिटेलिंग मिल जाती है दोस्तों। तो इसी तरह से मैंने ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अभी स्मूजिंग के लिए मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया तरह से स्मूजिंग यहाँ से हो रही है, और उसके ऊपर जो भी डिटेलिंग है वो स्मूजिंग करने में बहुत ही अच्छी तरह से उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो आपके पास में भी इस तरह से मेकअप ब्रश होने चाहिए और मेकअप ब्रश का आप यूज़ करिएगा, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, डिटेलिंग के लिए काफ़ी हद तक हमें उसकी हेल्प हो जाती है दोस्तों। तो अगर आपके घर में भी अगर इस तरह से कोई इमेज हो जो आपको ड्रॉ करके चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो दोस्तों, हम ज़रूर उसके ऊपर वर्क करेंगे और आपको आपका पार्सल आपके डोर स्टेप पर मिल जाएगा दोस्तों। तो ये कॉन्टे पेरिस वाली 6B की पेंसिल है दोस्तों, काफ़ी एक्सपेंसिव ये पेंसिल है दोस्तों, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ही बढ़िया तरह से आता है। तकरीबन 300 तक ये पेंसिल मिल जाती है दोस्तों, अगर आपको बाय करनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए इतना एक्सपेंसिव आप एफर्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको आपके पास में नॉर्मल एक सेट आता है दोस्तों 2B, 4B, 6B का, उसमें भी अप्सरा वाली बहुत ही बढ़िया तरीके से 6B पेंसिल आपको मिल जाती है। तो वो बॉक्स हमें 50 या 60 रुपए के बिटवीन में मिल जाता है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। तो पहले आप अगर बिगनर लेवल पे वर्क करते हो तो नॉर्मल तरीके से जो भी 50-60 रुपीज़ का पैक आता है दोस्तों आर्टिस्ट लेवल का, आप उसको बाय करके उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। और ये हाईलाइट के लिए मैं वाइट जेल पेन का यूज़ किया हूँ, क्योंकि डिटेलिंग्स आइज़ की जो डिटेल्स होती है आइज़ पर्पल में जो भी लाइट दिखाई देने देते हैं दोस्तों, उसके लिए उसको ड्रॉ करने के लिए उसका इफ़ेक्ट लाने के लिए मैंने वाइट जेल पेन का यूज़ किया है दोस्तों। और हेयर में मैंने दोस्तों चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, मेरे पास में चारकोल टिक्स है दोस्तों जो कि 20 to 25 रुपीज़ के बिटवीन में मिल जाती है दोस्तों। तो उसको घिस के मैंने यहाँ पे हेयर बनाया है दोस्तों, हेयर में मैंने उसको ठीक तरह से घिस के यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंट मैं दे रहा हूँ दोस्तों। तो चारकोल पाउडर भी मिलती है दोस्तों, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है दोस्तों, जो भी बॉटल हमें मिलेगी चारकोल पाउडर की
तो उसके लिए हमें 200 से 300 तक रुपीज़ देने पड़ते हैं। लेकिन ये जो मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये चारकोल स्टिक है, ये काफ़ी चीप रुपीज़ में हमें मिल जाती है, काफ़ी सस्ता इसका प्राइस होता है दोस्तों। मैंने 20 रुपीज़ में इसको बाय किया था और बहुत दिनों से ये यहाँ पे मेरे पास में वर्क कर रही है दोस्तों, अभी भी बहुत दिनों तक ये आगे जाएगी। तो ज़्यादा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह से शुरुआती में आपकी आर्ट जर्नी आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। तो अब हम नेक के ऊपर काम करने वाले हैं दोस्तों। 6B से क्वांटे पेरिस की 6B पेंसिल का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, और अच्छी तरह से स्मूजिंग करके उसके बाद में मैं उसके ऊपर डबल ई वाली स्टेडलर पेंसिल का यूज़ करूँगा, जाके मुझे नेक पे उसकी डेप्थ मिल सके। और मेकअप ब्रश से उसको मैं स्मूजिंग कर रहा हूँ दोस्तों अभी। और ये जो गले में हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों नेकलेस, उसको भी हमें प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करना है दोस्तों। और उसको ड्रॉ करने के लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा, कैमलिन की जो चारकोल पेंसिल आती है दोस्तों 50 रुपीज़ की, उसका मैं यूज़ करूँगा। वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से डार्क डेप्थ हमें देने में हेल्प करती है दोस्तों। तो शेड लाइट्स का हमें प्रॉपर तरीके से ध्यान देना होता है दोस्तों, कौन सी जगह पे ज़्यादा डेप्थ हमें दिखाई दे रही है, कहाँ पे हमें लाइट पकड़ना है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ों का आपको ऑब्जर्वेशन ठीक तरह से आना चाहिए। तो ये देखिए, ये डबल ई की स्टेडलर वाली पेंसिल है दोस्तों, और इसको यहाँ पे हल्के हल्के से मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तो मुझे वो नेक के निचले हिस्से में जो डेप्थ दिखाई दे रही है दोस्तों वो प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। और ये चारकोल पेंसिल से मैंने अभी गले में जो नेकलेस दिखाई देता है उसको ड्रॉ किया है दोस्तों, और ये चारकोल स्टिक को घिस के फिर से मैं ब्लाउज़ के ऊपर ब्लाउज़ में फिल कर रहा हूँ दोस्तों। ये बहुत ही चीप तरीके से हमें वर्क करने में हेल्प करता है, और उसका ये ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं होती है, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल तरीके से आता है। बस उसको कंट्रोल ठीक से हमें करना होता है दोस्तों, क्योंकि वो अगर वो स्प्रेड हो जाती है दोस्तों तो फिर उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वो स्प्रेड ना हो, और जितने हिस्से में हमें उसको फील करना है उसको प्रॉपर तरीके से आउटलाइन में, उसकी जो आउटलाइन दिखाई दे रही है उसी में हमें उसको ठीक तरह से फील करना है दोस्तों। और ब्लाउज़ के ऊपर जो यहाँ पे थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसको हम इरेजर की हेल्प से देने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह से ढेर सारे वीडियोस मैं आपके लिए प्रिपेयर करता रहता हूँ दोस्तों, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी आर्ट सीखना चाहते हैं उनको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाला है दोस्तों। तो अब हम साड़ी पे वर्क करने वाले हैं दोस्तों। इस साड़ी पे लाइट शेड के लिए मैंने 2B पेंसिल का और 4B पेंसिल का यूज़ किया है, हाईलाइट के लिए इरेजर पेंसिल का मैंने यूज़ किया है दोस्तों। और इसके ऊपर जो भी डिज़ाइंस दिखाई दे रहे हैं उसको मैंने चारकोल पेंसिल से, डबल ई पेंसिल से, स्टेडलर पेंसिल से या फिर क्वांटे पेरिस की पेंसिल से ये सारी डिज़ाइन मैंने ड्रॉ करी है दोस्तों। और आपको प्रयास करना है कि डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हमें देने हैं दोस्तों, ताकि हम 60 से 70 या 90% तक आप रियल इमेज तक पहुंच पाए। जब तक आप डिटेलिंग पे ज़्यादा वर्क नहीं करोगे दोस्तों, आपका जो वर्क है वो रियल इमेज से मैच नहीं करेगा। और जब तक आप रियल इमेज के करीब नहीं पहुंचते हो दोस्तों, वो नज़रों को थोड़ा अटपटा लगता है, मिसमैच सा लगता है दोस्तों। मैं तो कहूँगा कि रियल इमेज से भी अगर आपको लगता है कि आप रियल इमेज से भी ज़्यादा बेटर दैन द बेस्ट कर सकते हो, तो वो भी आपको प्रयास करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यही वो प्रोसेस होती है जो हमें आर्ट में एक्सलेंस की तरफ लेके जाती है दोस्तों। और वहीं पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिलने के भी चांसेस मिल जाते हैं दोस्तों, क्योंकि
आपका जो वो वर्क होता है वो अप्रिशिएट किया जाता है दोस्तों, उसकी चर्चा होती है, ज़्यादा फॉलोअर्स आपके पास में मिल जाते हैं, ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने के आपको चांसेस आ जाते हैं दोस्तों। तो जितनी भी हमें डिटेलिंग प्रॉपर तरीके से करने का कर सकते हो हमें करनी चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से मैंने इस सारे में वर्क किया है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका रिजल्ट अभी तक हमें मिल रहा है दोस्तों। और आपको किस तरह से ये वीडियो लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, या फिर आपके जो भी सुझाव रहेंगे वो उनके लिए मेरे पास में हमेशा ही वेलकम रहेगा दोस्तों। तो कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे लगता था कि ये जो साड़ी के अंदर जो डिज़ाइन है दोस्तों मैं इजी तरह से ड्रॉ कर लूँगा और उसमें ज़्यादा वर्क मुझे टाइम नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। जब मैं इसको वर्क करने बैठा तो मुझे बहुत सारी डिटेलिंग इसमें नज़र आई और मुझे लगा कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो देखिए काफ़ी हद तक हमने इसमें जो साड़ी में जो डिटेलिंग्स दिखाई दे रही है दोस्तों उनको मैंने प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करने का प्रयास किया है और इसको मैंने 2 से 3 घंटे तक इसको टाइम दिया है दोस्तों। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, जहाँ पे जितनी डिटेलिंग हमें दिखाई देती है प्रयास करना है कि हम उतनी ही डिटेलिंग प्रॉपर तरीके से वहाँ पर देने का प्रयास करें। और इमेज को बॉर्डर भी किया करें दोस्तों, ताकि उसको फ्रेम वाला लुक आ जाए, या फिर आप मास्किंग टेप का यूज़ कर सकते हो। जितनी आपकी इमेज हमने सिलेक्ट करी है उसके आजू बाजू में आप मास्किंग टेप लगा कर रख सकते हो, और जब आप उसको रिमूव करोगे तो एक प्रॉपर तरीके से फ्रेम का लुक आपको मिल सकता है दोस्तों। तो तकरीबन सारी में जो डिटेलिंग थी वो सारी तरह से कि हमने फील कर दी है दोस्तों, प्रॉपर इमेज हमारी ड्रॉ हो चुकी है और कुछ इस तरह से इसका रिजल्ट आया है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।